पर्यावरण शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर एनजीटी ने पाकुड़ जिले के लगभग 250 पत्थर व्यवसायियों पर 750 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि की वसूली को लेकर खनन विभाग द्वारा कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। खनन विभाग ने जिले के 250 पत्थर कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर करने का आदेश जारी किया है। खनन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद जिले के पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। दर्जनों पत्थर व्यवसायी एनजीटी द्वारा किए गए जुर्माने से राहत पाने के लिए अधिवक्ताओं से सलाह दे रहे हैं। पत्थर व्यवसायी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुटे हैं। उसका सर्वे जो किया है, सर्वे करने वाले बैठ कर किए हैं, गलत तरीका से किए हैं। इसमें हम लोग जो है बहुत ही मैंने दुखित है। और यहाँ के पत्थर तो ऐसा ही मजदूर पलायन हो रहा है, ऐसा ही पत्थर खत्म होते जा रहा है। ये इनका सर्वे गलत तरीका से हुआ है, सुधार नहीं हुआ तो हम लोग इनके विरुद्ध में सारे पत्थर व्यवसायी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लोगों का नोटिस किया गया करीब 725 करोड़ के आसपास, इसमें राशि इन्वॉल्व है। खनन क्षेत्र में जो पर्यावरण का शर्त का उल्लंघन किया गया है, इसका आधार पे उसका जो एनवायरमेंटल कंपेंसेशन होता है उसमें नेशनल ग्रीन माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा आदेश पारित किया गया एनवायरमेंटल कंपेंसेशन के अवज में पैसा वसूलने का। इस हम लोग